जनमंच कार्यक्रम में वो ई समाधान पोर्टल में शिकायत करने के बावजूद भी टोल वैरियर गरा मोड़ा को पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर यानी वास्तविक सीमा पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उत्तक स्थान पर आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता मिल रहा है। लेकिन टोल टैक्स वैरियर के करिंदे हैं कि उनके कान पर जून तक नहीं रेंग रही है कि टोल टैक्स वैरियर पंजाब सीमा से हटाकर 2 किलोमीटर दूर हिमाचल की सीमा में लगा दिया जाए, जबकि नियमानुसार टोल वैरियर नाका पंजाब व हिमाचल की सीमा पर लगाया जाना चाहिए। जिस स्थान पर आजकल उत्तक टोल वैरियर लगाया गया है, उस स्थान पर नेशनल हाईवे सड़क मार्ग बहुत तंग हो चुका है। उत्तक स्थान पर एक तरफ फोरलैन कंपनी द्वारा पहाड़ी से कटान किया गया है, जिस कारण टोल वैरियर के समीप एक तरफ तो गहरी खाई बन चुकी है, जिस कारण उत्तक टोल वैरियर वाले स्थान पर दुर्घटनाओं के भय हर पल बना रहता है। बता दें कि इसी टोल वैरियर के समीप सड़क पार करने पर एक सरकारी उच्च पाठशाला भी है, जिसके साथ ही इसी जगह सस्ते राशन का डिपो भी है, जिस कारण स्थानीय री पंचायत के कई गांव के बाशिंदे राशन लेने के लिए भी अक्सर यहां आते जाते हैं, जिन्हें सड़क पार करने में बड़ी परेशानी होती है। जहां इस तंग स्थान से होकर स्कूल के बच्चों को भी सड़क पार करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क पार करनी पड़ती है। टोल वैरियर गरा मोड़ा के कारण री पंचायत की जनता को भी काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों की जान आफत में बनी रहती है। ग्राम पंचायत री की प्रधान कल्पना शर्मा व उप प्रधान मदन लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार उत्तक स्थान पर वाहन चालकों व टोल वैरियर कर्मियों में मारपीट जैसी घटनाएं भी घट चुकी है, जिस कारण स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तक माहौल की वजह से उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए टोल वैरियर गरा मोड़ा को उत्तक स्थान से स्थानांतरित करके पंजाब हिमाचल की सीमा पर एंट्री पॉइंट पर लगाया जाए, ताकि री पंचायत की जनता व स्कूली बच्चे राहत की सांस ले सकें।